यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष जनरल देवेंद्र पाल वत्स जल्द ही हरियाणा से राज्यसभा सदस्य बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बता दें कि डीपी वत्स का जन्म हिसार के थुराना गांव में 16 अप्रैल 1950 को हुआ था। जनरल वत्स ने रोहतक पीजीआई एमएस की डॉक्टरी और साथ ही साथ 1975 में सेना के लिए वो चुने गए थे और इसके बाद 1982 में उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से नेत्र विज्ञान में एमएस की पढ़ाई की है। ये भी बता दें कि वत्स को 2011 में परम विशिष्ट सेवा पदक का सम्मान भी मिल चुका है। जनरल वत्स को 2003 में सेना पदक, 1999 में विशिष्ट सेना पदक समेत कई सम्मान हासिल हैं। वो फिलहाल कई सालों से अग्रोहा स्थित मेडिकल कॉलेज में नेत्र विज्ञान विभाग के प्रमुख है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार यानी 12 मार्च को नामांकन का आखिरी दिन है। अगर विपक्ष से कोई उम्मीदवार आता है तो 23 मार्च को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन परिणाम भी घोषित किया जाएगा। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष जनरल देवेंद्र पाल वत्स जल्द ही हरियाणा से राज्यसभा सदस्य बनेंगे। अपने प्रत्याशी का नाम बीजेपी ने घोषित कर दिया है और विपक्ष की तरफ से देखने वाली बात होगी कि कौन सामने आता है। और अगर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार यानी 12 मार्च को नामांकन का जिस तरीके से आखिरी दिन है और विपक्ष से कोई उम्मीदवार आता है तो 23 मार्च को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे।